की स्टार्टिंग में हमें फैंग हैन को दिखाया गया है, जहां पे वो शुरुआत कर रहा होता है फैंग ली से। उसे आवाज आती है और आसपास सभी लोग देखते हैं। तभी वहां पर एक लड़की आती है और इस लड़की का नाम है प्रिंस हैंगवी। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, ये एक प्रिंसेस है जो कि यहीं से बिलोंग करते हैं, इनकी ह्यूआन माउंटेन से ही, जिस पर वो कहती है कि तुम इस अकेले बच्चे को परेशान नहीं कर सकते हो। जिस पर वो कहता है कि हे लेडी, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं इन्हें संभाल लूँगा। जिस पर ली कहता है कि तुम कहाँ से आई हो, तो वो उसे प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि तुम इस जगह पर मत आओ, मैं इन्हें हैंडल कर लूँगा। जिस पर लड़की शर्माते हुए कहती है कि ये बच्चा तो मुझे ही प्रोटेक्ट करने चला है। खैर, यहाँ पर ये दोनों बहस कर ही रहे होते हैं, कि ली और फैंग, जहाँ पर ली का मजाक उड़ाया जाता है बाय हैन, यानी फैंग हैन। यहाँ पर वो कहते हैं कि अटैक करो और इस बच्चे की काफ़ी ज़्यादा पिटाई करो, फैंग हैन को बहुत मारना। जिसके बाद फैंग हैन अपनी यूज़ करता है मार्शल आर्ट की स्किल्स को और यहाँ पर वो पटक देता है उस बंदे को और बेहोश भी कर देता है। इस चीज़ को देखते हुए ली काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि ये बच्चा इतने सारे मार्शल आर्ट मूव्स कैसे जानता है। प्रिंसेस ये सारी चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि इस बच्चे के अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट भी है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है ली को, जहाँ पर हैन ने उसे गर्दन से पकड़ के उठा दिया होता है। जिस पर वो उसे कहता है कि तुम एक सिर्फ लेबर हो और कुछ भी नहीं। जिस पर वो कहता है कि मेरे फादर ने कहा था, एक स्लेव बनने से अच्छा है मैं भिखारी बनना पसंद करूँ। जहाँ पर वो काफ़ी लोगों को मदद के लिए पुकारता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता, तो वो उसे फेंकता है और अपने पैरों से कुचल देता है। यहाँ पर वो देखता है और कहता है ये बच्चा कितना ज़्यादा प्रिटी है और काफ़ी अच्छी एक्ट करता है। यहाँ पास से वो दिखाया जाता है कि चार लोग और बढ़ते, तो वो बताता है उन्हें कि वो डिवाइन पावर के लेवल पर है, तो वो उससे फाइट नहीं करे तो अच्छा है। जिसके बाद सभी लोग शांत हो जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग उससे माफ़ी मांगते हैं और सभी लोग जाने लगते हैं। तभी फैंग हैन उस लेडी या फिर उस प्रिंसेस से बात करने के लिए जाता है और कहता है कि थैंक्स फॉर योर जस्टिस, जहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आप आगे आई। जिसके बाद वो दोनों बातें करते हैं और यहाँ पर फैंग हैन उसका नाम पूछता है, तब वो अपना नाम बता देती है। यहाँ पर वो अपना नाम बताती है कि वो प्रिंसेस है इस जगह की, यानी कि ह्यूमन माउंटेन सेक्ट की, और उसे ये भी बताती है कि इस तालिस्मान या फिर कहूँ बीस्ट स्पिरिट का यूज़ करने के लिए तुम्हें अपने ब्लड की एक बूंद की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये सिर्फ एक काफ़ी छोटा सा तालिस्मान है, इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पावर्स हैं जो कि लेजेंडरी और काफ़ी अलग अलग तरीके के मैजिक्स हैं। जिसके बाद ये उसे नमस्ते करता है और कहता है कि आपकी विजन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पास से वो बताता है कि तुम्हारी जो मैडम है, उन्होंने 8 मैन और 8 क्रेन्स को मारा है, इसके लिए शायद उन्हें काफ़ी बड़ी भुगतान करना पड़े। और वो उसे ये कहती है कि तुम बच के रहना, और इसके बाद वो लेडी चली जाती है बताते हुए कि तुम्हें बियॉन्ड पिक्स की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर एक्चुअल में क्रेन्स होते हैं और इन्हें एक जगह पर कैद करके रखा गया, शायद कहा गया क्रेन्स को, जहाँ पर एक क्रेन की नज़र पड़ती है हैन पर और वो उसकी तरफ देखते ही नीचे की तरफ उड़ते हुए आ जाती है और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। एक्चुअल में वो फैंग से बात करना चाहती थी, तो उसे समझ में नहीं आता। तब उसे उस लेडी की बात याद आती है, जहाँ पर वो अपना ब्लड उस तालिस्मान में लगाता है जिससे वो क्रेन से बातें कर सके। यहाँ पर वो ठीक वैसा ही करता है और अब उसे क्रेन्स की जितनी भी आवाज़ें हैं वो सुनाई देने लगती हैं, जहाँ पर क्रेन्स कहता है कि सबसे पहले तुम हमें इस जगह से आज़ाद करो, और वो ऐसा ही करता है। यहाँ पर वो उसे खुश करने के लिए उस पूरी जगह की मैजिक को हटा देता है, जिससे सभी क्रेन्स आज़ाद हो जाते हैं। यहाँ पर वो क्रेन्स कहता है कि तुम काफ़ी अच्छे हो बच्चे। जिसके बाद वो कहती है कि मैं तुम्हें अभी सर्व नहीं दे सकती, लेकिन अगर तुम्हें मुझे पालना है तो तुम्हें काफ़ी अच्छे अच्छे फूड्स देने होंगे। जिसके बाद वो चिड़िया उड़कर चली जाती है। यहाँ पर वो देखता है कि रोमांटिक ड्रैगन पिक्चर को और वो समझ नहीं पाता कि ये क्या काम कर सकती है उसके लिए। इसके बाद वो आराम से बैठ जाता है और सोचने लगता है। यहाँ पर हमें दिखाया गया काफ़ी बड़े माउंटेन को, जहाँ पे हुआ से मिलने जिन आता है और जिन यहाँ पर वो कहता है कि ड्रामेटिक ड्रैगन पिक्चर और एक्जिलर परफ्यूम, ये दोनों चीज़ें शायद से शेंशल के पास है। और वो बताता है कि बाई चैन के पास हम लोग काफ़ी लंबे समय से ढूंढ रहे हैं और बाई चैन अभी तक नहीं मिला है, तो हो सकता है ये दोनों चीज़ें ही शेंशल के पास हो। जिस पर हुआन बोलता है कि क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई प्रूफ है, तो वो मना कर देता है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ से अब जा सकते हो, जब तुम्हारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो मैं उस लड़की को कुछ भी नहीं कह सकता। इसके दूसरे जाने के लिए कह देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया फैंग हैन को, जो कि दो बंदों को गाइड कर रहा होता है और बताता है कि किस जगह को क्लीन रखना है। तभी वहाँ पर वो पक्षी आ जाता है जो कि फैंग हैन से टेस्टी खाने की बात कहता है और वो बताता है कि एक्सिलर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टलेस होता है, जिसमें मुझे मज़ा बिल्कुल नहीं आता, मुझे तो बढ़िया भुना हुआ खाना जैसे कि मछली, खरगोश और बाकी चीज़ें।
तो फैंग देखता है कि उसका सलाइवा जो है नीचे की तरफ गिर रहा है, तो वो कहता है कि वॉट अ वेस्ट, यानी कि वो इतना गंदा होने के बाद भी अच्छा लग रहा होता है उसे, इसलिए वो उसे बॉटल के अंदर भर लेता है उसके सलाइवा को। जहाँ पे वो उसे एक राइड भी देती है वो क्रेन, और यहाँ पास से हैनली उड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करता है उस चीज़ को। यहाँ पे हैन को दिखाया है जो कि खुद कहता है कि मुझे उड़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जिसके बाद यहाँ पर वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी उन्हें एक काफ़ी बुरा इंसान दिखता है जो कि किसी तरह की बुरी टेक्निक का यूज़ करता है। जहाँ पर वो कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, और उनके पीछे वो एक डेविल ईवल टाइप की टेक्निक को छोड़ देता है, और ये टेक्निक उन्हें अपने अंदर समेटने के लिए बिल्कुल रेडी होती है। एक सेकंड ऐसा आता है जहाँ पर वो पक्षी उस स्मोक के अंदर फंस जाता है और बेहोश होने लगता है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो हैन होता है वो अपने नाक को बंद कर लेता है जिसकी वजह से बच जाता है वो। तो उसकी मदद वो ड्रैगन ड्रामेटिक पिक्चर भी कर देता है। जब वो काफ़ी ज़ोर से चमकता है तब वो उस धुएं से बाहर निकल पाते हैं और वो उस फ्लाइंग क्रेन को भी उठने की मदद कराता है। यहाँ पर वो बताता है कि तुम जल्द से जल्द उठो वरना नीचे गिर जाएंगे, और ये लोग फ्लाई करते हुए आगे की तरफ निकलने लगते हैं। जिस पर वो कहती है कि उसे इस चीज़ के बारे में ह्यूमन सेक्ट के बारे में बताना होगा कि वहाँ पर वो ईविल सेक्ट वाले आ चुके हैं। जिस पर वो कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो उसके ऊपर भी एक मीटिंग बैठ जाएगी, और वो कहता है कि अगर हम लोग ज़ियान पीक के बारे में उन्हें बता देंगे तो शायद हम पर भी केस कर सकते हैं, इसीलिए हमें उन्हें नहीं बताना चाहिए कि हम लोग ज़ियान पीक की तरफ गए थे, अगर ऐसा हुआ तो हम पर इन सभी चीज़ों के बारे में पूछताछ होगी। जिसके बाद हमें दिखाया गया उस बुरे इंसान को, और अभी तक हमें इस बंदे का नाम नहीं रिवील किया गया है, जिस पर हमें पता चलता है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है जो कि अवतार रैलम को भी झेल गया आता है। यहाँ पर उसकी टेक्निक काफ़ी अच्छी है, जिस पर वो कहता है कि मुझे पता है कि तुमने आज से 5 साल पहले एक्सीलर इमॉर्टल एक्सीलर को यूज़ किया था जिसकी वजह से तुम्हें ये पावर मिली है, लेकिन ये पावर तुम्हारी नहीं है, एक्चुअल में तुम्हारे फादर की देन है। जिसके बाद ये चीज़ सुनते ही वो अपने अटैक्स को रोक देता है, और यहाँ पर वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास ये ईविल गॉड के साथ तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे क्योंकि तुम शेंशल को हरा सकते हो। एक्चुअल में शेंशल को हराने का कारण ये था कि उसे अभी भी लग रहा होता है कि उसके पास ड्रामेटिक पिक्चर और गोल्डन एक्सेलर है। इस चीज़ को सुनते ही वो बंदा कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा क्योंकि उसके पास ये दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे सेक्ट वाले मुझे अंदर आने ही नहीं दिए तो, यहाँ पर वो बताता है कि इसकी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बताता है कि मैं इस अवतार रैलम को भी तोड़ना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे ड्रामेटिक ड्रैगन पिक्चर और वो चीज़ उस चीज़ की ज़रूरत है। इस चीज़ को ईविल आदमी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ ये डील करने के लिए रेडी हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया फैंग हैन को, जहाँ पर ये प्रिंसेस उसे देख लेती आते हुए, तो वो कहती कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जहाँ पर हमें दिखाया गया है हमारे इस हैंग को, जो कि यहाँ पर वो अपने कपड़े उतारता है उस ड्रामेटिक ड्रैगन पिक्चर को देखने की कोशिश करता है। जब वो उसे खोलता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा शॉक लगता है क्योंकि जिस तरह का ईविल स्मोक उसके पीछे पड़ा था इस पर ठीक उसी तरह की वो पिक्चर बनी हुई है, जिससे वो समझ नहीं पाता। सबसे पहले तो वो सोचता है कि अपने वो ब्लड को डोनेट करेगा, शायद इससे अच्छा हो काम कोई ना हो, तभी उसे एहसास होता है कि पीछे कोई आ रहा है, और ये कोई और नहीं प्रिंसेस होती है। और ये प्रिंसेस इतनी धीरे से आती है कि किसी को एहसास तक नहीं होता कि यहाँ पर कोई खड़ा है। जिस पर वो कहता है कि ठीक है पहले मैं अपने कपड़े पहन लूँ, और वो कपड़े पहन लेता है। यहाँ पर ये दोनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा नर्वस लग रहे हो, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं मैं बस सिर्फ मजाक कर रही हूँ। जिसके बाद ये कहते हैं कि तुम्हारी पावर इनफ नहीं है तो शायद मैं तुमसे फाइट करना चाहूँगी। यहाँ पर फैंग हैन और यहाँ पर प्रिंसेस दोनों के बीच में एक काफ़ी ज़बरदस्त फाइटिंग होती है। ये फाइटिंग सिर्फ स्किल्स डेवलपमेंट पर के लिए होती है, जिससे फैंग और भी ज़्यादा मेहनत करे उन चीज़ों के लिए। फैंग यहाँ पर अपनी हार को कबूल करता है और यहाँ पर हार जाता है। जब वो पहाड़ से गिरने लगता है तो यहाँ पर वो प्रिंसेस उसकी मदद करती है और उसे ऊपर की तरफ खींचती है। यहाँ पर वो बताती है कि तुम्हारी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन तुम्हें इसे और भी इम्प्रूवमेंट लानी होगी। साथ साथ वो ये भी बताती है कि तुम एक आउटर बंदे हो, या फिर वो कहूँ आउटर स्किल्स सीखने वाले बंदे हो, इसलिए तुम्हें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जिस पर वो कहता है कि तुमने तो शायद अपने एग्ज़ाम्स भी पास किए होंगे, तो बताता है हाँ मैंने अपने एग्ज़ाम्स पास किए हुए हैं। यहाँ पर वो बताती है आउटर डिसिप्लिन के बारे में। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूँ, एक छोटा सा ग्रुप समझ लीजिए जहाँ पे जो बाहरी वाले बंदे इनर बंदों के साथ फाइट करते हैं और इस जगह पर आने के लिए बिल्कुल उत्साहित होते हैं। यहाँ पर उन्हें भी उतना ही सम्मान दिया जाएगा। जहाँ पर वो बताते हैं कि जिन सर, तो कहते हैं वो जिन बेवकूफ़ है, बिल्कुल 100 लोगों के ऊपर एक और बेवकूफ़ बैठा हुआ है। पता नहीं ह्यूमन सर को ऐसा क्या लगा कि उसे उसने अवतार रैलम में भेजने के लिए तैयारी कर ली। फाइनली ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी अच्छी बातें करते हैं, और यहाँ पर वो कहती है कि तुम और भी अच्छा ट्रेन कर सकते हो अपने आप को।
फाइनली वो सिक्स नंबर यानी कि वो सिक्स लेवल पे जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जहाँ पे उस चीज़ के लिए वो पानी के अंदर जाकर काफ़ी अच्छी अच्छी टेक्निक्स का यूज़ करता है जिससे उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो सके और वो उस लड़की के बराबर आ सके यानी प्रिंसेस के बराबर पे। अब यहाँ पर वो पानी के अंदर काफ़ी लंबे समय तक भी रहता है जिसकी वजह से उसकी स्मेलिंग और सुनने की ताकत दोनों ही बहुत बढ़ जाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो सिक्स लेवल के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर वो डिवाइन पावर को भी क्रॉस करता है और यहाँ आसपास की जो भी चीज़ें हैं उन्हें महसूस करता है। तो पीछे से एक औरत आ रही होती है जिसका नाम शेंशल है और ये उसकी एक गुरु भी है। फाइनली यहाँ पर वो लड़की आती है और कहती है कि तुम काफ़ी अच्छा ट्रेन कर रहे हो खुद को, जिस पर वो उसे नमस्ते करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके हार्ट चमकता है तो उसे थोड़ा शक होता है कि इसके हार्ट में कुछ तो ऐसा गड़बड़ है, तभी वो अपने हाथ को नीचे करता है जिससे वो उस चीज़ को देख ना पाए। एक्चुअल में ये गोल्डन एक्सुलर है जो कि भाई चैन हाई चैन ने दिया था, भाई हाई चैन ने। तो ये कहती है कि ठीक है तुम काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, इस चीज़ से मैं काफ़ी तक खुश हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम एक आउटर डिसिप्लिन होते हुए भी इस फैमिली का हिस्सा बनोगे। इसके बाद वो उसे जाते जाते एक किताब भी डोनेट करती है और कहती है तुम इस किताब को पढ़कर अपनी स्ट्रेंथ को और भी बढ़ा सकते हो, और वो इसे इस किताब को दे देती है। ये सिर्फ फैंग हैंड के लिए ही ये किताब बनी होती है इसलिए वो उसे दे देती है, जिसके बाद वो कहता है कि भाई हाई चैन मास्टर आपने तो और भी ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्टीज़ में डाल दिया है, क्योंकि ये शेंशल नाम की लड़की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और मैं इस लड़की को नहीं मार सकता, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोजीशन पर खड़ा हूँ इस टाइम पर। गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरी एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट एपिसोड्स को, और मैं इस एनिमे सीरीज़ को भी जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहूँगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया न्यू चैनल को, तो प्लीज़ जाके उस न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड लविंग टू ऑल।